अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शाइस्ता स्पेशल मेनू। थैंक यू एवरीवन फॉर 1K सब्सक्राइबर। आप लोगों के लव और सपोर्ट के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आप लोगों के साथ प्रॉन्स की बहुत ही मजेदार रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ हमने 250 ग्राम प्रॉन्स लिए थे जिसे हमने साफ कर लिया था। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून विनेगर डालकर फिर से इसे साफ पानी से धुल लिया था। ये देखिए प्रॉन्स हमारे बिल्कुल साफ हो चुके हैं और इसकी स्मेल भी खत्म हो गई है। अब हम फटाफट से इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें एक मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे, 4 से 5 हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर लें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे जिसके छोटे छोटे पीस करके वो भी इसमें डाल देंगे। 10 से 12 छिला हुआ लहसुन लेंगे। अब इन सारी चीजों को ग्राइंड करके एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी है। अब हम इसमें से 2 टेबलस्पून मसाला लेंगे और इसका यूज प्रॉन्स को मैरिनेट करने के लिए करेंगे। इसके साथ हम इसमें 1/2 नींबू का रस भी डालेंगे, 1/3 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/3 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब हम सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि मसाले जो हैं प्रॉन्स के चारों तरफ बराबर लग जाएं और मसाले प्रॉन्स के अंदर तक चले जाएं। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे आप 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे फौरन भी बना सकते हैं। मसालों को हमने हाथों से मिलाते हुए प्रॉन्स को अच्छे तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं और गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तेल जब गरम हो जाए तो अब हम इसमें मैरिनेटेड प्रॉन्स को भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हम प्रॉन्स को उलट पुलट कर कुछ सेकंड तक के लिए पकाएंगे। हम इसकी लिड लगा देंगे ताकि प्रॉन्स हमारा टेंडर हो जाए और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। बीच बीच में इसे चेक भी करते रहेंगे। ये देखिए प्रॉन्स ने काफी पानी रिलीज कर दिया है। इसे दोबारा ढक देंगे और इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। अगर आपको लगे कि प्रॉन्स ने जो पानी रिलीज किया था वो सारा सूख चुका है और हमारे प्रॉन्स अभी टेंडर नहीं हुए हैं तो हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालकर इसे ढक दिया था और इसे 2 मिनट और पका लिया। मिलाकर हमने इसे 8 से 10 मिनट तक के लिए ढक कर पका लिया। देखिए प्रॉन्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे चम्मच से मिलाकर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए हमने मजेदार सा हरा मसाला प्रॉन बनाकर रेडी कर लिया। आइए इसे अब हम सर्व करते हैं। एक बार इस तरीके से प्रॉन्स बनाकर जरूर खाइएगा। आई एम श्योर आपको इसका टेस्ट काफी पसंद आएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।